संगम में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं सुबह से ही। प्रशासन का दावा है कि 70 लाख श्रद्धालु आज स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और स्नान के लिए प्रशासन ने 35 स्नान घाट भी बनाए हैं संगम तट पर। स्नान घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस तैनात है। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ आरंभ होगा कल्पवास, जो लगभग 20 लाख कल्पवासियों के कल्पवास का अनुमान यहां पर भी जताया गया है और बड़ी संख्या में कल्पवासी यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से, देश से, विदेशों से भी श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो आज के दिन स्नान कर रहे हैं सुबह से ही। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखेगा जरा, ये भोर की तस्वीरें हैं और सूर्य उगने से पहले भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा था। संगम तटों पर 35 स्नान के लिए घाट बनाए गए हैं जहां पर खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही ठंड को मात देकर आस्था किस कदर हावी है। आप देखिए आस्था की डुबकी लगा रहे, तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब कैसे उमड़ा है। आप देखिए सुबह की तस्वीर है ये, जब ठंड कड़कड़ाती हुई और कपकपाती ठंड में भी जो श्रद्धालु यहाँ पर ठंडे पानी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो देखिए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं, बिल्कुल भी आस्था कम नहीं हो रही है ठंड के चलते। इसी पर मेरे सहयोगी धीरेन्द्र लगातार बने हुए। धीरेन्द्र बताइए, तस्वीरें जरा दिखाइए और क्या कुछ अभी वहां पर हो रहा है। देखिए इस समय मैं मौजूद हूं संगम नोज पर। आप देख सकते हैं कि संगम नोज पर लगातार जो भीड़ है वो चली आ रही है और ये किनारे संगम नोज है जो पूरी तरीके से लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में घाट बना गया है और पूरा घाट इस समय खचाखच भरा हुआ है। जो प्रशासन का अनुमान है कि 70 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो इस तरह भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने का क्रम लगातार जारी था। हालांकि रात में जो है कोहरा था, कड़ाके की ठंड है, इस सब के बावजूद भी यहाँ पर भोर से ही आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं, मोक्ष की डुबकी लगा रहे हैं और लगातार जो भीड़ है उसका आने का क्रम जारी है। और धीरेन्द्र, जब पिछले बार शाही स्नान हुआ था तो कुछ सुविधाएं कम पड़ गई थी या फिर इंतजाम काफी नहीं थे, इस बार उन सभी इंतजाम का ख्याल रखा गया है श्रद्धालुओं के लिए वहां पर? निश्चित तौर पे जब पहला स्नान पर्व था तो उसमें कुछ कमियां जरूर रह गई थी, लेकिन प्रशासन को थोड़ा सा वक्त मिला हुआ है और इस बार जब दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है तो उसमें जो व्यवस्थाएं थी उसको इन्होंने पूरा कर लिया है। आज से ही यहां पर करीब 20 लाख श्रद्धालु अब एक महीने तक संकल्प लेकर और कल्पवास शुरू कर देंगे, तो जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी लगाने वाले वो तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जो बड़ी तादाद में, जैसे कि आप कह रहे हैं सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं चाहूंगी जहां पर आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए, बताइए हमारे दर्शकों को कितनी बड़ी तादाद है जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ संगम नोज पर। आप देख सकते हैं कि ये संगम नोज है और ये 5 किलोमीटर का पूरा यहाँ पर स्नान घाट बनाया गया है। बहुत दूर है जहाँ पर गंगा दोनों मिल रहे हैं, अदृश्य सरस्वती है, त्रिवेणी का ये पूरा इलाका है और ये लगभग 4 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल में कि ये स्नान घाट बनाए गए। हालांकि कुल 35 स्नान घाट बनाए गए लेकिन जो सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है वो संगम नोज पर ही देखी जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, मोक्ष की डुबकी लगाने आते हैं, उनका मानना है कि वो संगम में ही स्नान करें, तो सबसे ज्यादा भीड़ इस समय संगम नोज पर रही है और लगातार भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, भीड़ में ही सादे वर्दी में पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। इस तरह सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ साथ ही यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है लगातार उमड़ रही है। जी ठीक है, चाक चौबंद इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन धीरेन्द्र जो पौष पूर्णिमा का स्नान है उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त है या फिर समय आप बताइएगा कि कितने बजे तक ये चलेगा और इसके बाद जब स्नान खत्म होगा तो उसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम होगा? देखिए आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और ब्रह्म मुहूर्त बेला से ही स्नान को शुरुआत हो गई है और शाम तक यह स्नान चलेगा, यानी जो मुहूर्त है वो पूरे दिन का है, इसलिए सारा दिन यहाँ पर स्नान पड़े चलेगा।
साथ ही जो यहाँ पर कलबास करने के लिए आए हैं, सुबह गंगा स्नान कर रहे हैं, वो अपने पुरोहित से संकल्प ले रहे हैं और एक महीने तक इसी संगम की रेती पर वो रुकेंगे। कठिन संयम के साथ वो साधना करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, वक्त गंगा का स्नान करेंगे और जमीन में शयन करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे। ये उनकी दिनचर्या होती है और इसी दिनचर्या के साथ ही आज यहाँ पर वो अपने कलबास की शुरुआत कर देंगे। तो आज जो कलबासी हैं, एक तरफ जहाँ संकल्प ले रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ पौष पूर्णिमा में लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, के साथ ही पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही कल्पवास की शुरुआत भी आज से हो जाती है। कहा यह जाता है कि अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग, वो टीचर हो, डॉक्टर हो, वो स्कूलों की छुट्टी करके, ऑफिसों की छुट्टी करके कल्पवास के लिए वहां पर पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ से पहुंचे हैं और इनकी दिनचर्या को जरा बताइए। देखिए, अगर यहाँ पर कल्पवास की बात करने की बात की जा रही हो तो माघ में कल्पवास करने का बहुत बड़ा महात्मा है। कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मगर रब गति जब हुई, तीरथ पति ही आज सब कोई, देव धनुज नर किन्नर सेणी सकल त्रिवेणी। इस तरह माघ के महीने में जो पुराणों में वर्णन है कि 33 करोड़ ब्रह्मांड के देवी देवता प्रयागराज में वास करने लगते हैं और उन्हीं के सानिध्य में जो यहाँ के कल्पवासी हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर वास कर वहाँ पर कठिन साधना संकल्प के साथ रहते हैं। तो उनकी जो दिनचर्या होती है, भोर ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ जाना होता है, उसके बाद वो गंगा स्नान करते हैं, फिर आने के बाद सात संतों की सेवा कर और एक साधु को नित्य जो है उनको भोजन प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं, जमीन में शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस तरह पूरे तंबुओं के शहर में जो कल्पवासी होते हैं, वो कुंभ ही नहीं, हर माघ के महीने में भी यहाँ पर कल्पवास की परंपरा है। तो कुंभ जब जब माघ का महीना लगता है, चूंकि हर वर्ष यहाँ पर संगम के इस किनारे पर माघ मेला भी लगता है, तो के महीने में यहाँ आते हैं और एक महीना तक संकल्प लेकर यहाँ पर रहते हैं। कामना करने वाले श्रद्धालु लोग बड़ी तादाद में आज स्नान करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं और कल्पवास भी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी काशी में पहली बार होने जा रहे